राजकुमारी ने नाश्ता कर लिया? इस खामोशी का क्या मतलब है? हुजूर के हुक्म के मुताबिक नाश्ता ले गए थे सरकार, लेकिन बड़ी राजकुमारी साहब ने नाश्ता वापस कर दिया। नाश्ता साथ ले आओ। नाश्ता ले चलो। राजकुमारी जी, इस बूढ़े डॉक्टर पर रहम कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इस नई दवा से बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। लीजिए। 5 साल से यही सुन रही हूँ। आज तक कुछ नहीं हुआ, आइंदा भी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए राजकुमारी जी। उम्मीद? उम्मीद सिर्फ धोखा है। मुझे धोखा नहीं चाहिए, फरेब नहीं चाहिए, मौत चाहिए। जहर क्यों नहीं देते आप मुझे? अपाहिज बनकर बिस्तर में पड़े रहने से मौत कहीं अच्छी है। मरे आपके दुश्मन। राजकुमारी फिर ऐसी बात कभी मत कहिए।
आपको मेरे बुढ़ापे की कसम लीजिए। नहीं नहीं राजकुमारी, आप सब पुतले नजर आ रहे हैं, आप में से इंसान कोई नहीं। अरे भाई कुछ बोलिए ना, मेरा तो दम घुट रहा है। युवराज प्रताप सिंह जी, आप इस तरह कर सकते हैं? देवी, डिजाइनर्स इस बात को पसंद नहीं करेंगे। डिजाइनर्स आ गए तो? अरे सब पुतलों में जान आ गई। चलो अच्छा। शर्म की बात है, राजकुमारी होने के बावजूद भी आपने तमीज नहीं सीखी। सीखी और है ना, राजकुमारी को खेलना नहीं चाहिए। जी हाँ, आप एक महाराजा की बेटी हैं। अगर आपको मदारी बनने का शौक था तो किसी मदारी का घर जन्म लिया होता। भूल हो गई योर हाइनेस। क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब है मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जी हाँ। सॉरी योर हाइनेस। रंधीर की बदमाशी है सरकार, वो रियासत के भले भले लोगों को हजूर के खिलाफ भड़काता है। ये जलूस लाल टेकड़ी की तरफ जा रहा है। और उसका बाप अब तक हमारा नमक खा रहा है। यस योर हाइनेस। आज का प्रोग्राम सुना दिया जाए। यस योर हाइनेस। महाराजा सर बलबीर सिंह, सेना खास खेल शमशीर बहादुर दौलत इंग्लिसिया KCIEOBE, रियासत हिम्मतपुर का हुक्म है। बेहतर होगा हिफाजत के लिए चंद सिपाही साथ ले जाए। कोई जरूरत नहीं। मैंने थम करे और दौलत राजमहल में जाए, पानी की तरह खून हम बहाएं और ऐसे निकम्मे करे, ये हमारे हमदर्द नहीं, दुश्मन है दुश्मन। भाई
हमें अगर शिकायत है तो उन असूलों से, उस राजगद्दी से जो इंसान इंसान में फर्क पैदा कर देती है। लेकिन भाइयों, अब हमें ये धोखा नहीं दे सकते। आप तो जानते ही हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रियासतों में बटा हुआ है। हमारा फर्ज है कि ये रियासतें आजादी के लिए खत्म कर दे। बोलो, रियासत राज, जनता राज, आजादी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हमसे पहले हमारी वफादार रिया ने आपके मुंह पर तमाचा मारा। इनका सहारा लेकर आप हमारा मुकाबला करना चाहते थे। इनका सहारा लेकर आप लीडर बनना चाहते थे। मैं लीडर नहीं हूँ हाइनेस, मैं तो जनता का एक सेवक हूँ। आजादी हर इंसान का पैदाइशी हक है और वो उसे मिलना ही चाहिए। हमारी रिया को इस किस्म की आजादी नहीं चाहिए, इसलिए वो लोग आपको छोड़कर चलेगा। अपनी तकलीफों को देखते हुए हर कमजोर इंसान ताकतवर से डरता है और यही वजह है कि ये लोग आपसे डर कर चले गए। लेकिन यकीन रखिएगा हाइनेस कि एक दिन इनमें भी आपका सामना करने की ताकत आ जाएगी। उससे पहले आपकी जबान बंद कर दी जाएगी। याद रखिए, आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो आपके साथ भी वही सलूक होगा जो एक दुश्मन के साथ होता है। इसे ले जाइए। सरकार, युवराज छोटे राजकुमार और छोटे राजकुमारी दर्शन के लिए पधार रहे हैं। युवराज प्रताप सिंह जी। यस योर हाइनेस। पोलो ग्राउंड का जलसा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा योर हाइनेस। मुझे जो भी लिख के दिया गया था मैंने वही पढ़ा। गुड। और आप? मीना बाजार का ओपनिंग किया योर हाइनेस। मजमा था? जी बड़ी भीड़ थी, लेकिन वहां पे सब औरतें थी योर हाइनेस। अज्जू, आपको अब तक पता नहीं कि मीना बाजार में सिर्फ औरतें शामिल होती? आई एम सॉरी योर हाइनेस। और आप राजकुमारी आशालता देवी? गीता सम्मेलन के समारोह में गई थी योर हाइनेस, लेकिन मैंने वो तकरीर नहीं की जो मुझे लिख के दी गई थी। क्यों? सभा के लोग मेरे विचार जानना चाहते थे। आपके विचार कोई माने नहीं रखते, आपको वही कहना चाहिए जो हम चाहते हैं। आइंदा इस किस्म की हरकत ना हो। गुड नाइट। यस, हम कुछ कहना चाहते हैं योर हाइनेस। आप सब? नो योर हाइनेस। यानी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी। आप जा सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट योर हाइनेस। गुड नाइट। फरमाइए। हम कार्निवल देखना चाहते हैं योर हाइनेस। जी हाँ, लेकिन आम लोगों के साथ कार्निवल देखना हमारी शान के खिलाफ है। लेकिन योर हाइनेस। गुड नाइट। गुड नाइट। छोटे राजकुमारी क्या कर रहे हैं? वो तो कब की सोई गई है हजूर, हुक्म हो तो जगाई दे। कोई जरूरत नहीं। ओ बाबूजी, कहाँ इंतजार करे थो माँ बेबे भागा। ए लड़की, कौन है तू? चल भागे यहाँ से। अच्छा, हमका भगाए दिया थो, सोच ली हो आखिर मैं तुमका पछताए का पड़ी। चल चल अपना रास्ता ना। रणधीर। अरे आशा, तुम ये क्या सॉन्ग रचाया तुमने? क्या करती, कार्निवल का बहाना फेल हो गया इसलिए राजकुमारी से नौकरानी बन गई। कैसे लगती हो? अच्छी लगती हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरह आना नहीं चाहिए था, ये हमारी सभ्यता। ए लीडर, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आई। चलो कार्निवल देखें। घबराओ नहीं, कोई नहीं पहचानेगा। वेलकम डॉक्टर संजय, मैं हिसाइनस का एजेंट हूँ संजीत सिंह। बड़ी खुशी हुई आपसे। आइए, हिसाइनस आपके मुंतजिर हैं। चलिए। तो संजय, आप इससे पहले भी कई रियासतों में जा चुके होंगे? जी नहीं, ये मेरा पहला इत्तेफाक है। तो बेहतर होगा कि मैं आपको महल के आदाब बता दूं। जी हाँ जरूर, मुझे बड़ी खुशी होगी। जब आप हिसाइनस के सामने जाएं तो इस तरह छुप कर 3 बार सलाम कीजिए।
और अगर चार बार हो जाए तो? जी नहीं, ये दस्तूर के खिलाफ है। अच्छा। जब तक हिज हाइनेस आपको बैठने की इजाजत न दे आप खड़े रहिए। ओह आई सी, लेकिन हिज हाइनेस से ज्यादा देना भूलेंगे तो नहीं? और अगर हिज हाइनेस आपसे कोई सवाल पूछे तो खड़े होकर जवाब दीजिए। बस या और कुछ? दैट्स ऑल, आइए। चलिए। हाइनेस, डॉक्टर संजय। गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। गुड मॉर्निंग। आपकी शोहरत सुनकर हम समझे थे आप ज्यादा उम्र के होंगे। शोहरत के लिए बाल सफेद होना जरूरी नहीं योर हाइनेस। ओह आई एम सो सॉरी, आपकी इजाजत के बगैर मुझे बैठना नहीं चाहिए था। इसमें हम आपको दोष नहीं देते डॉक्टर संजय, बैठ जाइए। थैंक यू। दरअसल आजकल के लोग हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी तहजीब को भूल रहे हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में हर इंसान का दर्जा बराबर है, लेकिन ये गलत है। ये गलत नहीं है योर हाइनेस। आजकल के लोग अपना अपना हक समझने लगे हैं। और दर्जे से खबर दे दी गई कि डॉक्टर साहब यहाँ है? यस योर हाइनेस। एग्जामिन करने से पहले मैं आपकी बेटी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आपका मतलब है राजकुमारी? जी हाँ। क्या जानना चाहते हैं? आपका यहाँ होना जरूरी है क्या? जा सकते हो। यस योर हाइनेस। कहिए। गमें जहां से छुड़ा लो, बहुत उदास में मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास छुड़ा लो, बहुत उदास हूँ मैं, मुझे गले से लगा लो। क्या बदतमीजी है? आप लोगों से कई बार कहा गया कि इस कमरे में शोर न मचाया जाए, राजकुमारी को तकलीफ होती है। आप इस रियासत के युवराज हैं। I'm sorry. आए डॉक्टर। राजकुमारी ये हैं डॉक्टर संजय। नमस्ते राजकुमारी जी। शायद इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, आप थकी हुई मालूम होती हैं। योर हाइनेस अगर राजकुमारी जी थक गई हैं तो मैं बाद में एग्जामिन कर लूंगा। जी नहीं, अभी देख लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं और इसकी भी नहीं। मैं जानता हूं आप चल नहीं सकती, मैं यहां आपको अच्छा करने आया हूं। मैं अच्छा होना नहीं चाहती। राजकुमारी ये कौन सा तरीका है बात करने का? आप नहीं जानती है कितने बड़े डॉक्टर हैं, क्या आप अच्छा होना नहीं चाहती? नहीं। लेकिन हम चाहते हैं। जो कुछ ये पूछो उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए। राजकुमारी जी मैं ये पूछना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग। राजकुमारी जी इंजेक्शन? नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मैं तंग आ चुकी हूँ, मेरा सिस्टम चल रहा है। राजकुमारी जी आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी नहीं, है। नहीं नहीं चाहिए मुझे इंजेक्शन। क्या बचपना है, इंजेक्शन दीजिए डॉक्टर साहब। ये सुर है ना डॉक्टर साहब, ये कौन सा इंजेक्शन है? B12 ताकत के लिए। मेरा ख्याल है ये इंजेक्शन रोका जा सकता है, मगर हाइनेस का हुक्म है कि दवा इंजेक्शन वक्त पर दिए जाए, इसलिए मैं उपदोली नहीं कर सकता। हमारा ख्याल है डॉक्टर संजय की योर हाइनेस, अगर आप डॉक्टर का काम डॉक्टर को सौंप दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इंजेक्शन रोक दीजिए। योर हाइनेस मत दीजिए इंजेक्शन। जो योर हाइनेस मैं राजकुमारी जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। लेकिन आपकी मौजूदगी में मेरे लिए जरा, आपका मतलब है कि? अच्छी बात है, हम स्टडी में आपका इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ कोई नहीं है, बताइए क्या शिकायत है आपको? मैं चल नहीं सकती। ये तो मैं जानता हूं, लेकिन अब चल नहीं सकती इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यही कि मुझे चलना नहीं आता, मेरे पांव में जान नहीं है। लेकिन आपने चलने की कोशिश तो की होगी? शुरू में की थी और फिर छोड़ दी।
क्यों छोड़ दी? ये कोशिश बेकार मालूम हुई। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे सामने कोशिश कीजिए तो आप मेरी बात मानेंगी? मैं आपकी मदद करूंगा। ये रहे मेरे पांव, शौक से देख लीजिए। लिख दीजिए ढेर सारी नई दवाएं और इंजेक्शंस, वो फौरन मंगवा दी जाएंगी। हिजाइने से कह दीजिए कि इन दवाओं से राजकुमारी बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। अपनी फीस ले लीजिए और तशरीफ ले जाइए। मालूम होता है दवाओं से आप तंग आ चुकी हैं। मुझे नफरत हो गई है, लेकिन यहाँ मेरी कोई नहीं सुनता। मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग सब मुझे जिंदा रखना चाहते हैं। सिस्टर। यस डॉक्टर। ये सारी दवाएं यहाँ से फौरन हटा दी जाएं। बहुत अच्छा डॉक्टर। अब तो आप खुश हैं? डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, नहीं तो वो इलाज कैसे करेगा? सुनिए, मुझे दवा नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, इलाज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे आराम से मरने दीजिए। मैं एक डॉक्टर हूं, आपकी ये मांग पूरी नहीं कर सकता। ये मेरे पेशे के खिलाफ है। मौत के अलावा और जो कुछ भी आप चाहें मांग सकती हैं। क्या चाहिए आपको? तन्हाई। आप तशरीफ ले जाइए। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप बहुत थक गई हैं, आपको आराम चाहिए। राजकुमारी जी, जूस पी लीजिए। अगर आपको जूस पसंद नहीं तो मत पीजिए। पांचवी प्लेट किसकी है? कोई नया मेहमान आया है? मेहमान नहीं, बलाए जान, नया डॉक्टर। अच्छा, तो वो अब तक यही है? बेचारी दीदी को फिर से तपस्या करनी पड़ी। नई दवाइयां आ जाएगी, ढेर नए इंजेक्शन लग जाएंगे और आखिर में डॉक्टर साहब अपनी फीस वसूल करके चलते फिरते नजर आएंगे और हमारी दीदी की सेहत वैसी की वैसी रह जाएगी। बेबी, डिजाइनर्स इस बात को पसंद नहीं करेंगे, नया डॉक्टर उन्होंने बुलवाया है। उन्होंने बुलवाया तो क्या हुआ, आजकल सब डॉक्टर ऐसे ही होते हैं। बड़ा आदमी देखा और इलाज लंबा कर दिया। उनको मरीज के बीमारी से कोई मतलब नहीं होता, उनका मतलब हिज हाइनेस के तिजोरी से होता है। देवी ठीक ही तो कह रही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ दीदी की हालत इन डॉक्टरों ने खराब की। और फिर ये नया डॉक्टर तो बिल्कुल छोकरा लगता है, छोकरा। ये क्या हमारी दीदी का इलाज करेगा? मुझे लगता है ये किसी की डिग्री चुरा के ही डॉक्टर बन गया है। थैंक यू। तारीफ का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? सुन भी ली तो क्या हुआ, तारीफ ही तो कर रही थी आप। और मुमकिन है कि आपका ऐसे डॉक्टर से वास्ता पड़ा हो। हाँ ठीक बात है डॉक्टर साहब, नए डॉक्टर के साथ नए इंजेक्शन, रोज नई दवाइयाँ, परेश का फीका उबला हुआ खाना, हम तो ये देख के ही तंग आ गए हैं। तो बेचारी दीदी का क्या हाल होगा? आप सबको ये सुनकर खुशी होगी कि मैंने सारी दवाइयाँ और सब इंजेक्शन बंद कर दिए। आइए हम अपना परिचय खुद ही कर लें। मुझे संजय कहते हैं, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टरों के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं। आपकी तारीफ? जी तारीफ इनकी नहीं डॉक्टर साहब, तारीफ उस खुदा की है जिसने इन्हें बनाया है। वैसे उनका शुभ नाम है युवराज प्रताप सिंह जी, इस रियासत के होने वाले राजा। युवराज साहब, हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डॉक्टर? राजेंद्र सिंह जी। मुझे राजघराने का ठीक तरह से परिचय कराने दो। डॉक्टर साहब, ये है राजकुमार राजेंद्र सिंह जी। इस धरती पर भगवान ने यही एक जानवर ऐसा पैदा किया है जिसका कोई जोड़ नहीं। हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? और आप? सरकारी चिड़ियाघर के जानवरों में से एक मैं भी हूँ, नाम है आशालता। नहीं नहीं, राजकुमारी आशालता देवी। राजकुमारी आशालता देवी जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। गुड इवनिंग योर हाइनेस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर संजय। गुड इवनिंग योर हाइनेस। डॉक्टर संजय, आपको यहाँ किसी बात की तकलीफ तो नहीं? आपके पैलेस में किस बात की तकलीफ हो सकती है योर हाइनेस?
थैंक यू। आपने पैलेस देखा? जी हाँ। पसंद आया आपको? बेहद। और खासकर आपका चिड़ियाघर बहुत पसंद आया। वो कब देख लिया आपने? बस देख लिया योर हाइनेस। काफी नायाब किस्म के जानवर हैं, है ना? जी जी हाँ। डॉक्टर संजय, जब लॉर्ड माउंटबेटन हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने भी हमारा चिड़ियाघर देखा था और उन्होंने कहा था, योर हाइनेस, ऐसा चिड़ियाघर हमने बहुत कम देखा है। योर हाइनेस, सुना है कि आपके जानवर आपसे डरते बहुत हैं। डॉक्टर संजय, मेरा ख्याल है डरना चाहिए। डॉक्टर संजय, मेरा ख्याल है मैंने आपसे किसी का परिचय नहीं कराया। योर हाइनेस, परिचय हो चुका। हो चुका? जी हाँ, छोटी राजकुमारी जी ने मेरा परिचय बड़ी अच्छी तरह सबसे करा दिया। बहुत अच्छी बात है। अबे, बड़ी राजकुमारी ने खाना खा लिया? हुजूर, बड़ी राजकुमारी साहब ने वापस कर दिया सरकार। अजीब बात है, उसे खाने से इस कदर चिढ़ क्यों है? अगर इस तरह करेगी तो उसकी तबीयत। योर हाइनेस, आप तकलीफ ना कीजिए। यू कैन लीव दिस टू मी सर। बेरा? जी सर। सुनो, ऐसा करो कि गुड इवनिंग प्रिंसेस, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आई मीन यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश। शुक्रिया। डॉक्टर होने के बावजूद आपने अपने मरीज से हमदर्दी जताई, अब मैं आराम से मर सकूंगी। आराम से जिंदा रहेंगी। दवा न देने से मरीज मर जाता है ना? कभी कभी अच्छा भी हो जाता है, और जिन दवाओं का असर ना हो उन्हें बंद कर देना ही बेहतर है। जैसे कि ये क्या, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? मेरे कहने के बावजूद भी इतनी देर से खाना लाया गया। मुझे इस बात की शिकायत करनी पड़ेगी हाइनेस। नहीं नहीं, शिकायत मत कीजिए। इस बेचारे की नौकरी चली जाएगी। मैंने ही खाना वापस भेज दिया था। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी, चले जाओ। नहीं, आप दवा से तंग आ गई थी इसलिए मैंने दवा बंद कर दी। इसके ये मानी नहीं कि मैं आपकी हर बात मान लूंगा। सिस्टर, ट्रे लाओ। इंसान खाना क्यों खाता है? जिंदा रहने के लिए। जो जिंदा ही न रहना चाहता हो। ये मैं सब कुछ नहीं सुनना चाहता। आप खाना खाइए। इतना लजीज खाना बना है और आप ये खाना नहीं खाती? डॉक्टर, ये खाना मेरे लिए नहीं, बेरा शायद भूले से ले आया है। मैं तो परहेजी खाना खाती हूँ, फीका, बदमजा, उबला हुआ। मेरे नसीब में ये खाना नहीं। आज से आप यही खाना खाएंगी? नहीं, हिजाइनेस इस बात को पसंद नहीं करेंगे। डॉक्टर मैं हूं, हिजाइनेस नहीं। मरीज को क्या देना चाहिए और क्या नहीं वो मैं जानता हूं, हिजाइनेस नहीं। आज ये खाना आप जरूर खाएंगी। सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा यही खाना खाएंगी आप। चलिए खाइए।
गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कब आए आप? जब आप ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। क्या लिख रही थी आप? कुछ नहीं। देखिए छुपाइए नहीं, मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छी शायरा हैं। न बहुत अच्छी हूँ न शायरा, तुक बंदी कर लेती हूँ, वो भी सिर्फ अपने लिए। राजकुमारी जी, शायर को कभी खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। उसका पैगाम, उसका आदर्श, उसका ख्याल सब दूसरों के लिए होता है, और मैं तो ये कहूंगा कि शायर खुद भी दूसरों के लिए होता है। जरा देखो तो क्या लिखा है आपने। मत पढ़िए, मामूली नज़्म है। ये तो पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मौत कितनी भी संग दिल हो मगर, बहुत खूब बहुत खूब। मौत कितनी भी संग दिल हो मगर, जिंदगी से तो मेहरबान होगी। शेर अच्छा है लेकिन ख्याल गलत। क्यों? इसलिए कि जिंदगी हकीकत है और मौत सिर्फ ख्याल। जिंदगी इंसान को अपनी कुव्वत आजमाने का मौका देती है और मौत सब कुछ छीन लेती है। अगर इंसान मौत जैसा निकम्मा ख्याल अपना लेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए शायर को चाहिए कि हमेशा कोई उम्दा बात कहे। डॉक्टर, खैर छोड़िए इन बातों को, अपनी उस दिन वाली नज्म सुनाइए जो अधूरी रह गई थी। कौन सी? वही, मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूं मैं। उसी तरह तरन्नुम में, मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूं मैं। जहां से छुड़ा लो, बहुत उदास हूं मैं। मुझे गले से लगा लो, अब सहा नहीं जाता। तड़प रही है मोहब्बत, रहा नहीं जाता। तुम अपने पास बुला लो, बहुत उदास हूँ छुड़ा लो, बहुत उदास हूँ मुझे गले से लगा लो। भटक चुकी बहुत जिंदगी की राह में, मुझे अब आके छुपा लो तुम अपनी बाहों में। मेरा सवाल मिटा लो, बहुत उदास हूँ छुड़ा लो, बहुत उदास मुझे गले से लगा लो। मैं
को तू बचा लो, बहुत उदास उन्हें जहाँ से छुड़ा लो, बहुत उदास मुझे गले से लगा लो। बहुत खूब, बहुत अच्छी नज़्म। अब मालूम हुआ कि आप क्यों अच्छा नहीं होना चाहते। राजकुमारी जी, एक बात पूछूं, आपने किसी से मोहब्बत की थी? अब भी करती हूँ। बहुत बदनसीब है वो जिसने आपकी मोहब्बत को ठुकरा दिया। कौन है वो? मौत। समझ में नहीं आता आपको मौत से क्यों इतनी मोहब्बत है। राजकुमारी जी, आप जिंदगी से प्यार कीजिए, आपकी सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। हम अंदर आ सकते हैं? ओह, आइए छोटी राजकुमारी जी। ये क्या? शाही जबान। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये मुझे गरीब के सामने क्यों नचाई जा रही है? जो डॉक्टर हमारी दीदी का इलाज करता है वो रॉयल डॉक्टर कहलाता है। और हमें हर रोज उसके सामने मेडिकल चेकअप के लिए हाजिर होना पड़ता। हर रोज क्यों? यहाँ जो कुछ होता है इस हाइनेस के हुक्म से होता है। और क्यों, किस लिए ऐसे सवालात करना यहाँ जुर्म माना जाता है? क्यों राजकुमारी जी? करेक्ट राजेंद्र सिंह जी। ओह आई सी, समझ गया। दिखाइए तो अपनी जबान। वाकई आप दोनों बीमार हैं जी? आप कुछ घुटन सी महसूस करती हैं, और आप भी राजकुमार जी। कमाल कर दिया आपने, आप पहले डॉक्टर हैं जिसने हमारी बीमारी को पहचान लिया है। क्यों राजकुमार जी? करेक्ट राजकुमारी जी, लेकिन इसका कोई इलाज? इलाज बस यही है कि आपको ताजा हवा चाहिए। बाहर गार्डन में जाइए और ताजा हवा खाइए। और राजकुमारी जी, आप अरे बाप रे, आ गए। कौन आ गए? रॉयल गेस्ट, हिज हाइनेस महाराजा धनक सिंह जी, IDIOT तशरीफ ला रहे हैं। यू मीन इडियट। किस लिए आ रहे हैं वो? उन्हें दुल्हन की तलाश है, रॉयल दुल्हन की तलाश है। राजकुमारी जी, मुबारक हो आपको। शाही मेहमान हिज हाइनेस महाराजा धनक सिंह आप रामगढ़ के पधार रहे हैं। योर हाइनेस, ये है हमारी बेटी राजकुमारी हेमलता देवी, और आप तो जानती हैं महाराज धनक सिंह जी का घराना हिंदुस्तान में सबसे पुराना है। योर हाइनेस, गुस्ताखी माफ हो, ये तो बाप दादाओं की मेहरबानी है, लेकिन हमें एक बात का अफसोस है कि राजकुमारी ने हमारा अपमान किया है। योर हाइनेस, ये जानते हुए कि हमारा घराना सबसे ऊंचा है, खड़े होने की तकलीफ नहीं की। योर हाइनेस, आपको आगाह कर दिया गया था कि राजकुमारी की तबीयत ठीक नहीं है, वो चल नहीं सकती। आपने खुद उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। योर हाइनेस, आई एम वेरी सॉरी, ये तो मैं भूल गया।
सेक्रेटरी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि राजकुमारी लंगड़ी है? योर हाइनेस, आपको आराम की जरूरत। नहीं 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 योर हाइनेस, हम माफी मांग कर ही जाएंगे। सेक्रेटरी माफी मांगो, हम माफी मांगते हैं। ये हमारा सेक्रेटरी माफी मांगता है, इतीस माफी मांगती है, हम सब माफी मांगते हैं। योर हाइनेस, राजकुमारी की ये हालत देखकर हमें हमारी प्रिंसेस याद आती है। प्रिंसेस? हाँ। आपका मतलब योर हाइनेस? मेरा मतलब है मेरी बहन नहीं, मेरी रेस की घोड़ी। आहा, योर हाइनेस क्या घोड़ी थी मेरे लिए! 1,000 guineas, 2,000 guineas, 3,000 guineas, ओक्स, डर्बी, सेंट लेजर, ये सब जीतकर हमारा नाम इतना बढ़ाया। योर हाइनेस, एक दिन का वाकया है कि सुबह उसको गैलप यानि स्पर्ट दे रहे थे तो उसके पैर में दर्द आ गया। क्या दर्द आ गया कि मैं आपको क्या बताऊं, दर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की। योर हाइनेस, ये हालत हुई कि हमको इंग्लैंड से डॉक्टर मंगाना पड़ा, अमेरिका से डॉक्टर मंगाना पड़ा, लेकिन उसका पैर का दर्द नहीं गया। एक दिन ऐसा वक्त आया। सेक्रेटरी, आगे तुम बताओ। शहनशाह को दुख सहन नहीं हुआ और हमने एक दिन सुसाइड कर दिया। तुम्हें नहीं, इसका मतलब है योर हाइनेस, एक एक घोड़ी का सुसाइड कर दिया, यानी घोड़ी को गोली मार दी। जब पैर खराब होता है तो गोली मार देनी। आपको योर हाइनेस, प्लीज एक्सक्यूज मी योर हाइनेस, राजकुमारी के डॉक्टर की हैसियत से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने शाही मेहमान को यहां से ले जाएं। ओह सॉरी राजकुमारी, वेरी सॉरी। ओह राजकुमारी, आपको इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे पहले मालूम होता कि ये शाही मेहमान इतने बदतमीज हैं तो मैंने यहां आने की इजाजत नहीं देता। उनका कोई कसूर नहीं डॉक्टर, I'm sorry, मुझे इस तरह नहीं रोना चाहिए था। लेकिन मुझे आपका रोना बहुत अच्छा लगा। क्यों? इससे यह साबित हुआ कि आप मरना नहीं चाहती, आपके अंदर जीने की उमंग अभी तक बाकी है। डॉक्टर, आई मीन इट। नाउ लेट मी हैव दैट स्माइल ऑफ योर्स, दैट टेरी वन। इस फाइनेंस महाराजा थनक सिंह जी तशरीफ ला रहे हैं। योर एक्सीलेंसी, आई एम सॉरी, आज फिर लेट हो गए, हम लेट हो गए, माफ करना, एक्सक्यूज मी। राजकुमारी जी, हमारा राइडिंग का प्रोग्राम तय हो गया ना, मैंने सेक्रेटरी से कह दिया है कि कल मुझे जल्दी नहीं उठाए। नहीं, जल्दी उठाने के लिए कहा था महाराज। आप पधारिए और फाइनेंस, आप पधारिए ना, आप पधारिए। क्या कह रहे थे तुम? नहीं, जल्दी उठाने के लिए कहा था महाराज। ओ यस यस, ये नहीं, जल्दी उठाने के लिए कहना, वो अलग सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, अंधेरे मुंह 10:30 बजे हमको उठा दे। हाइनेस, आप इसे साथ रखेंगे? योर एक्सेलेंसी, इसके बगैर मैं अकेला नहीं रह सकता और न ये मेरे बगैर खाना खा सकता है। हम तो अपने लिए परेशान थे लेकिन इसके लिए अब हम बहुत परेशान हो गए हैं। मैं समझा नहीं, योर हाइनेस। मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ किसी रॉयल फैमिली से। रॉयल फैमिली? कुत्तों का रॉयल फैमिली, ये कुत्तों का शाही खानदान। ओ, अगर हो जाए मामला तो बड़ी खुशी की बात होगी। योर हाइनेस, डिनर सर्व कर दिया जाए। इसकी क्या जल्दी है, इसके बारे में मैं और आपको सुनाऊं, ये मेरा पपी है। योर एक्सेलेंसी, आपने उस हिज एक्सेलेंसी बैचलर का नाम तो सुना होगा? जी नहीं। नहीं सुना आपने? लो कमाल है, वो हमारे दादा के दादा की दादा की जो नानी थी वो इंग्लैंड जा रही थी तो उसकी जो लड़की थी मिस जोसेफाइन, उसके पास एक कुत्ता था, उस कुत्ते का ब्लड यानी खून इस कुत्ते में है। मेरा ख्याल है और हाइनेस, डिनर सर्व कर दिया जाए। इतनी जल्दी क्या है? सेक्रेटरी पानी। बाबी बाबी बाबी, मीठा है बाप। योर एक्सेलेंसी, आप ये देख रहे हैं कि मैं पानी पी रहा हूं बार बार, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं कहीं का पानी नहीं पीता, सिर्फ अपने स्टेट का पानी पीता हूं और एरोप्लेन से पानी आता है। सेक्रेटरी, yes. पानी आ गया है? हाँ, पानी से जहाज आ गया। पानी से जहाज आ गया? तुम्हारा मतलब है जहाज से पानी आ गया? वेरी गुड। ये जरा सेक्रेटरी, अरे योर एक्सेलेंसी, योर हाइनेस, आप हमारे सेक्रेटरी को अच्छी तरह से नहीं जानते, बहुत काम का आदमी है। सेक्रेटरी, जरा वो कुत्ते की बोली बोलना तो। जैसी आपने सिखाई वैसी। करेक्ट, वैसी। जल्दी जल्दी जरा। हाँ,
नहीं नहीं नहीं, आवाज वाली, वो 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 वो, वेरी गुड वेरी गुड। अभी वो बछड़े की, बछड़े की, वो गाय 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 की तरह बोली बोलना तो नहीं, बछड़े वाली। माफ कीजिए हाइनेस, मुझे काम याद आ गया। वेरी गुड। अरे मेरा कुत्ता कहाँ गया? योर हाइनेस, मैं बगैर कुत्ते के खाना नहीं खाता कभी, उसके बगैर कभी नहीं खा सकता। कुत्ता कहाँ है मेरा? ओ ए, नीचे पापे कहाँ है? पापे किधर है मेरा? ओलियो तू इधर है? देखो भाई, तुम ऐसे बगैर बोल के जाया मत करो, हम परेशान हो जाते हैं तुम्हारे बगैर। योर ग्रेट कंग्रेचुलेशन, इस हाइनेस आपसे हार मान के चले गए। क्या कहती हो तुम सच्ची? लेकिन हमारा प्रोग्राम तो ठीक हो गया ना? हा? वो हो जाएगा ना? वो बाद में देखेंगे। अच्छा अच्छा, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे।
डॉक्टर, यूअर हाइनेस, नए डॉक्टर ने सब दवाएं और इंजेक्शन बंद कर दिए हैं और साथ ही साथ परहेज भी खत्म कर दिया है। अगर यही हालत रही तो राजकुमारी जी, आप शिकायत करना चाहते हैं? जी नहीं, आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर संजय बहुत काबिल आदमी है। जी हाँ जी, डॉक्टर संजय। गुड मॉर्निंग यूर हाइनेस। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी, हमें मालूम हुआ कि आपने दवा और इंजेक्शन बंद करवा दिए, यहाँ तक कि परहेज भी तोड़वा दिया। क्या इसका ये मतलब हुआ कि आप भी मायूस हो गए? मायूस? योर हाइनेस, मुझे यकीन है कि राजकुमारी अच्छी हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। हमें मालूम था कि आपके बारे में हमारा ख्याल कभी गलत नहीं हो सकता। डॉक्टर, ये बात सुनकर हमें इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि हम आपको, डॉक्टर कल हम लोग शिकार पर जा रहे हैं, अगर आपको दिलचस्पी है तो हमारे साथ जरूर चलिए, हमें खुशी होगी। आई विल बी ऑनर्ड योर हाइनेस, मगर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहिए। राजकुमारी जी भी हमारे साथ चलेंगे। पर राजकुमारी कैसे जा सकती हैं? आप जानते हैं कि क्या आप समझते हैं कि राजकुमारी को बाहर ले जाना बेहतर होगा? योर हाइनेस, मैं डॉक्टर हूं और अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझता हूं, मुझ पर भरोसा रखिए। ऑफ कोर्स। Thank you.
राजकुमारी जी, ये मौत ही तो है जिसे आप गले लगाना चाहती हैं। देखिए ना, ले चलिए। कैसा दिखता है? बहुत अच्छे योर हाइनेस। योर हाइनेस, अगर आप सर पर पैर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, सर पर पैर? ओह, गुड आइडिया। सेक्रेटरी जल्दी पकड़ो। नहीं नहीं, अपने सर पे नहीं, शेर के सर पे। ओह, शेर के। फोटोग्राफर, अगर हम शेर के सर पे दोनों पैर रखें तो कैसा लगेगा? एक पैर इस मासूम बच्चे के सर पर और दूसरा इसकी माँ की छाती पर रखिए और हाइनस, तस्वीर ज्यादा अच्छी आएगी। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। बच्चे के सर पे और माँ की छाती पे। ये क्या होता है सेक्रेटरी? माँ की छाती पे बच्चे के सर? महाराज, 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 देखो ना, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आप फिक्र न कीजिए भाई। वंदेर सिंह, हमारे महल के दरवाजे हमारी रियाय के लिए हमेशा खुले हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग बेवक्त यहाँ चले आए। जो कुछ आपको कहना है। मुझे कुछ नहीं कहना यार हाइनस, ये मासूम बच्चा और इसकी माँ आपसे इंसाफ मांगने आए। किस बात का इंसाफ? शेर के शिकार में इसका पति सुलझारा मारा गया। संजय सिंह। यस योर हाइनस। हमारा हुक्म था कि मरहूम के घर वालों को फौरी हरजाना दे दिया जाए। यस योर हाइनस, लेकिन रणधीर सिंह ने इस औरत को हरजाना लेने से मना कर दिया था सरकार। किस लिए? इसलिए योर हाइनस कि तुलजाराम की मौत शेर से नहीं, आपके शाही मेहमान की गोली से हुई है। खबरदार जो हमारे मेहमान की शान के खिलाफ कुछ भी कहा। महाराज, इसे कैसा पता चल गया? महाराज, ये झूठा है, ये एक नंबर का झूठा है। महाराज, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा आराम कर लूं। सेक्रेटरी, तुम फोटो उतरवा लो। जो अब तो आपको हकीकत का पता चल गया योर हाइनस। हकीकत यह है रणधीर सिंह कि तुलजाराम शेर से मारा गया। अगर आपको शक है तो आप अदालत में जा सकते हैं। अदालत में जाने से क्या फायदा है योर हाइनस? जज, डॉक्टर, पुलिस सब वही कहेंगे जो आप चाहते हैं। आप इस स्टेट के राजा हैं, आपकी मर्जी यहाँ का कानून है, यहाँ का इंसाफ है। आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? गुस्ताखी माफ हो योर हाइनस, आप अपने शाही मेहमान को बचाने की खातिर जानबूझ कर झूठ बोल रहे हैं, वरना वो इस वक्त हवालात में होते। अलजीत सिंह, इन लोगों को फौरन महल से बाहर निकाल दिया जाए। आप हमें महल से निकाल सकते हैं योर हाइनस, लेकिन सच्चाई को दबा नहीं सकते। एक दिन आएगा कि जब क्या आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन गरीबों की आहों से डरिए, ये सोने की लंका जला देती है। जल्दी से गार्ड, हेलो, इसकी जरूरत नहीं यार है ना। आइयो, देख लिया आपने, ये हम गरीबों को इसी तरह घोड़ों की टापों से ही ठुकराते चले आए हैं। इधर हम आई, इधर तू इंसाफ मांगने आई थी ना, मिल गया तुझे इंसाफ। यही इंसाफ इनका पुरखों से चलता आया है और चलता रहेगा। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूँ यार हाइनस, कि हम गरीबों की आओ से करिए, वरना ये आए एक दिन इस महल को भी चला कर नाश कर देंगे। चलो भाई, कहिए क्या काम है आपको? हजूर, कुछ खास काम रहा। राजकुमारी, आप? आप कौन सा नया चक्कर है? खतरनाक चक्कर है, इसलिए आई हूँ। खतरनाक चक्कर? देखो, तुम्हारा इस तरह यहाँ आना ठीक नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। इधर आओ, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान खतरे में। क्यों? तुमने महाराजा धनक सिंह का भेद खोल दिया ना, इसलिए। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उस बेवकूफ को फांसी चढ़ा देता। वो तो बाद में करना, आज तुम्हारे गले में फांसी का फंदा पड़ने का डर है। इस हाइनस ने तुम्हारी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा, जनता रियासत के खिलाफ हो जाएगी। तुम भूलते हो रणधीर, ये रियासत राज है, अगर पकड़े गए तो कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा क्या हुआ। मेरे लिए यहाँ से भाग जाओ। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं तो तुम्हारे पिताजी का दुश्मन हूँ, उनके खिलाफ बोलता हूँ, तुम क्यों मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो? क्या ये भी आपको समझाना पड़ेगा? बाहर पुलिस ने घेरा डाल दिया है,
यहाँ से भाग निकलने का और कोई रास्ता है? नहीं, यही एक रास्ता है। वहाँ तो पुलिस खड़ी हो। तो सुनो, जाओ जल्दी जाओ। कहा जाती है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। साहिब, हमारे बेगम साहिबा अपनी लड़की की शादी करे की खबर अखबार में देख रही है। अरे अखबार में खबर देने से किसी की शादी हुई है? यही बात तो बेगम साहिबा से हम कहत रही, लेकिन वह सुन में नहीं की। साहिब, तनी हमारी बेगम साहिबा का समझा दो। अच्छा, समझा देंगे। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, अखबार में खबर देने से शादियां नहीं होती हैं। अच्छा साहिब, हम जाएं? जाओ जाओ, चलो चलो। बेगम साहिबा, जान छूट गई। कहाँ मिलोगे? पार्वती के मंदिर में। यो हाइनेस, उम्मीद है आप दिल्ली से जल्दी तशरीफ लाएंगे। पता नहीं, शायद हमें देर हो जाए। बाय बाय योर हाइनेस। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो इस तरह? राजकुमार राजेंद्र सिंह जी, आप भी चिल्लाइए मेरे साथ। यहू, बोलिए ना। लेकिन हिज हाइनेस सुन लेंगे तो? अरे वो तो दिल्ली चले गए। क्या? और कह रहे थे कि जल्दी वापस नहीं लौटेंगे। अब तो बोलो। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार। नहीं नहीं, बे अदब बे मुलाहिजा बे मुहार। राजा साहब घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं। गर्दन ऊंची करके कहेंगे हम सब बेअदब बे मुलाहिजा बे मुहार। बाअदब बा मुलाहिजा होशियार। राजा साहब घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं। आज तो गर्दन ऊंची करके कहेंगे हम सब बेअदब बे मुलाहिजा बे मुहार। अदब बा मुलाहिजा होशियार। नाचेंगे और गाएंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे। अदब बा मुलाहिजा होशियार। राजा साहब घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं। आज तो गर्दन ऊंची करके कहेंगे हम सब बे अदब बे मुलाहिजा बे मुहार। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार। चुप गद्दार। बामला है जा होशियार। राजा साहब
दब्बा मुलाहिजा होशियार। राजा साहब घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, आज तो घर धन ऊंची करके कहेंगे हम शाबाश। बेअदब बेमुलाहिजा बेमुहा, अदब बा मुलाहिजा होशियार। एक बात पूछूं डॉक्टर? कहिए राजकुमारी जी। आप मुझे इसी तरह बरामदे की सैर कराएंगे तो क्या मेरे पैर ठीक हो जाएंगे? ये तो इब्तिदा है राजकुमारी जी, मैं तो आपको पहाड़ों की सैर कराना चाहता हूँ। क्या इसी कुर्सी पर बिठा कर? शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे वहां ले चलेंगे? जरूर। इस जगह मैं घंटों बैठा करती थी, खेला करती थी। काश। आप रुक क्यों गई? क्या वो दिन लौट आएंगे? क्यों नहीं, दुनिया में हर चीज मुमकिन है राजकुमारी जी, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है, कोशिश की जरूरत है। काश मेरे पांव इस काबिल होते कि मैं इस पानी की ताजगी को महसूस कर सकती। मना किसने किया आपको? सर्दी तो नहीं लग जाएगी? डॉक्टर किस लिए आपके साथ? पानी से मुझे हमेशा प्यार रहा है। राजकुमारी जी आपको हर रोज यहाँ आना चाहिए, ये पानी, ये ताजा हवा, ये फिजा, ये खुला आसमान आपकी सेहत के लिए एक ऐसी दवा है जिसकी कोई कीमत नहीं। डॉक्टर अगर मैं अच्छी हो गई तो आप चले जाएंगे? जाना तो हर दो सूरत में पड़ेगा राजकुमारी जी, आपके अच्छे हो जाने पर भी और ना होने पर भी। आप अच्छी हो जाएंगी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, वरना इस हाइनेस भी यही सोचेंगे कि मैं भी उन लोगों में से एक हूं जिन्हें दौलत की तलाश है। डॉक्टर अब ये बताइए आप मुझे किस तरह भेजना चाहती हैं? मैं तो आपको भेजना ही नहीं चाहती। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी तो आपने कहा था कि दुनिया में हर बात मुमकिन है, सिर्फ हिम्मत और कोशिश की जरूरत है। इतनी हिम्मत है आप में? फिर आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। इतनी हसी इतनी जमा रात क्या करे, इतनी जवान रात क्या करें।
जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात, क्या करें इतनी हसी इतनी जवां रात, क्या करें। चकती है चांदनी, बेचैन हो रहे हैं ख्यालात, क्या करें। बेचैन हो रहे हैं ख्यालात, क्या करें। जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात, क्या करें इतनी हसीन इतनी जवां रात, क्या करें। किसी सांस की महक सांसों में घुल रही है, किसी सांस की महक दामन को छू रहा है, कोई हाथ क्या करे। दामन को छू रहा कोई हाथ, क्या करें। जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात, क्या करें इतनी हसीन इतनी जवां रात, क्या करें। हैरान है कि आज नई बात, क्या करें। जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात, क्या करें इतनी हसीन इतनी जवां रात, क्या करें। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, होश में आइए राजकुमारी जी। संजय, क्या हुआ था आपको? आप यहाँ कैसे चली आई? नर्स कहाँ है? राजकुमारी जी, इस तरह मरीज की देखभाल की जाती है? इन्हें अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी आप? नर्स का कोई कसूर नहीं, मैं अकेली यहाँ चली आई। क्यों? ले चलिएगा मुझे। राजकुमारी
ये आपने क्या किया? आपको इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था। मैं आपकी आवाज सुनकर बेताब हो गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। जिस तरह पुरवाई के ठंडे झोंके, फूलों की हल्की हल्की खुशबू और सावन की रिमझिम इंसान की आवाज खो देती है, वही असर मुझ पर आपका गाना सुनकर हुआ। मेरा गाना आपको इतना पसंद आया था, फौरन मुझे बुलवा लेना चाहिए था, मैं हाजिर हो जाता। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो समझाई नहीं जाती, खुद समझी जाती हैं। आप राजकुमारी हैं, आपको कोई काम बेसोचे समझे नहीं करना चाहिए। आपने इकबाल का वो शेर सुना है, लाजिम है दिल के पास रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। अब मैं इसे बिल्कुल तन्हा छोड़ देना चाहती हूँ। राजकुमारी हेमा, मेरा नाम हेमलता है, आप चाहें तो मुझे हेमा कह सकते हैं। हेमा डॉक्टर संजय, भारत सरकार से यह कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो 200 साल हम पर हुकूमत करती रही, उसने कभी यह ना सोचा कि रियासतें खत्म कर दी जाए, बल्कि रियासतों को जिंदा रखना उसने जरूरी समझा। लेकिन आज भारत सरकार ये सोचने पर क्यों मजबूर हो गई कि देश को रियासतों से खतरा है? जब विदेशी हुकूमत ने हम पर एतबार किया तो हमारी हुकूमत हमें अपना क्यों नहीं समझती? आप गलत समझ रहे हैं, भारत सरकार आपको अपना समझती, आप पर पूरा विश्वास करती, लेकिन उसके साथ ये भी चाहती है कि ये देश जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है फिर से एक हो जाए। देश के संगठन के लिए अच्छे शासन का होना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं इस देश की एक सरकार हो और एक ही इसका झंडा। माफ कीजिए, रियासतें छीनने का ये एक बहाना है। आप लोगों ने अंग्रेजों से वादा किया था कि उनके चले जाने के बाद हमारी आजादी कायम रहेगी। वादा खिलाफी करना किसी भी हुकूमत के शान के खिलाफ है। अगर भारत सरकार ये नहीं समझती तो अपने हिफाजत के लिए हमें खुद सोचना पड़ेगा। रणधीर, ए रणधीर, नाराज हो गए क्या? करती राजकुमार राजेंद्र सिंह जी अपनी अदाकारी दिखा रहे थे और मुझे मजबूरन उनका तमाशा देखना पड़ा। वादा करती हूँ अब कभी देर नहीं होगी। बस नहीं आशा, ये बात नहीं है। दरअसल मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ और फिर इस तरह छुपे रहने से क्या फायदा? आखिर मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ? आपकी जिंदगी खतरे में है इसलिए। मुझे अपनी परवाह नहीं आशा। लेकिन मुझे है, क्या मेरा तुम पर कोई हक नहीं? समझने की कोशिश करो आशा, हम हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं, हम आंधियों में दिए जलाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर का बच्चा बच्चा कहता है कि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, मैं उस कोचवान का बेटा हूँ जो तुम्हारे पिताजी का इतना मुलाजिम है। ये जमीन आसमान का मिलाप आशा जो कभी मुमकिन नहीं हो सकता। ये तुम कह रहे हो? अगर ऐसा ही है तो आइंदा हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। मेरा ख्याल था तुम्हें आंधी से टकराने की हिम्मत है। आशा आशा आशा, तुम तो फजूल नाराज हो रही हो। नाराज? मैं कहती हूँ तुम दुनिया को धोखा क्यों दे रहे हो? धोखा? और नहीं तो क्या, वो तुम ही तो थे जो सबको एक सदा पर लाना चाहते थे। तुम्ही ने तो कहा था कि सब इंसान एक समान है। कह दो दुनिया से कि सब झूठ है, एक फरेब है, और अगर दुनिया से नहीं कह सकते तो मुझसे कह दो। आशा, मैं ना तो दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ और ना तुमसे। मैंने जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें अपनाई हैं, एक आशा और दूसरा आदर्श। रणधीर। आशा। अरे हाइनेस आप जी, आप तो दिल्ली गए हुए थे? हाँ ना, दिल्ली गया था, लेकिन वहां तो कुछ अजीब ही बातें हो रही हैं, सब बड़े बड़े लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा कि चलो यहीं आके थोड़ा सा दिल लगा ले। आप कहाँ जा रही हैं? मुझे जरा काम है, आप आराम कीजिए। अच्छा अच्छा, मैं तो थका हुआ हूँ ना, मैं आराम करूंगा। बाय बाय। बड़ी देर भाई। राजकुमार राजेंद्र सिंह जी। ओहो, कितनी देर लगा दी आपने। आपने काट के उल्लू देखे? काट के उल्लू? वो क्या होता है? वो देखो। ओह, काट के उल्लू। आइए उनका शिकार करें, देखिए।
बड़ी योर हाइनेस, अगर आपका राज यूं ही चलता रहा तो आज एक भी मछली हाथ में आने वाली नहीं। सेक्रेटरी। यस हाइनेस। युवराज साहब बहुत नादान है। जी हाँ। युवराज साहब आपको राग रागनी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, अभी आप बच्चे हैं। अरे साहब ये वो रागनी है कि जब तानसेन ने छेड़ी थी तो चिराग रोशन हो गए थे, और ताली ने जब ये राग छेड़ी तो बारिश होने लगी। जब हम ये राग छेड़ते हैं अरे तो मछलियाँ पानी में से उड़कर हमारे चरणों में आ जाते हैं, आप क्या जाने। अब आपको कौन समझाए योर हाइनेस? सेक्रेटरी। यस हाइनेस। हम ना समझ आए? अच्छा, कौन गधा कहता है? युवराज साहब कह रहे हैं। योर हाइनेस मच्छी लग गई, वो देखिए। है कहाँ? ये मच्छी है क्या? मच्छा है। अरे अरे योर हाइनेस बहुत जोर से खींच रही है। अरे पकड़ लो योर हाइनेस, छोड़ दो मुझे। तुम क्या समझते हो मैं इतना बुद्धि हूँ? हट जाओ, मेरी मच्छी है, मैं पकड़ लिया है। ये क्या बदतमीजी है राजन सिंह जी? ये बदतमीजी नहीं है युवराज, ये खुश तमीजी है। इस हाइनेस ने आपने क्या किया? आप ऊपर चले गए तो मैं राजमाता को क्या कहूँ, मैं प्रजा को क्या कहूँ, ये रानी जी को मैं क्या कहूँ? ये मत, अभी होश आ जाएंगे। अभी अच्छे हो जाएंगे, आप डरिए मत। बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। एक दिन मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पहाड़ों की सैर कराना चाहता हूं, याद है? लेकिन आपने ये भी तो कहा था कि शायद इस कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा तो था हेमा, लेकिन मजबूर हूं। तुम्हें तो इस कुर्सी से प्यार सा हो गया है। क्यों ना हो, पिछले 5 सालों से ये मेरा साथ दे रही है। जब भी मैं इसे दूर होती हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ही मुझे अपने पास बुला रही है। और भी तो हैं जो तुम्हें अपने पास बुलाते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं। कौन? ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तरस रहे हैं जवां फूल होंठ छूने को, तरस रहे हैं जवां फूल होंठ छूने को। मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें, मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
खुशबू की भीख लेने को, तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को, झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो इनकी बात तो सुन लो, मेरा कहा न सुनो इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं। संजय, संजय, हेमा, 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 संजय, संजय, तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी संजय। यही तो एक मौका था मेरे लिए हेमा, यही तो एक मौका था हेमा, हेमा, मैं जीत गया, मैं जीत गया हेमा। देखो आज आज तुम अपने पैरों पे खड़ी हो। हेमा कर रही थी आप। हेमा
तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे दिल में ताकत जरूर आई है लेकिन पांव अभी कमजोर है। लेकिन मैंने तो सिर्फ 7 कदम चलने की कोशिश की थी। 7 कदम अकेले नहीं चले जाते, किसी के सहारे की जरूरत होती है। दोबारा जिंदा हो जाता है, कल तक मुझे इस बात पर यकीन न था, आज है। आज से पहले जब कभी मेरा जन्मदिन आता था मैं समझती थी मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया है, मौत से और करीब आ गई। आज समझती हूँ जिंदगी से करीब आ गई। संजय, ये नई जिंदगी आप ही ने मुझे दी है। हेमा, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन? वो सामने आओ।
राजकुमारी जी, सालगिरह मुबारक हो। ये नहीं, सालगिरह बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से ये नाचीज तोहफा कबूल कीजिए। नाचीज तोहफा? ओ डॉक्टर साहब, आपको भी हैप्पी बर्थडे। हाँ, आपको भी। सालगिरह मेरी नहीं है जनाब, राजकुमारी जी की। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, हमारे शहर में यानी हमारी रियासत में कोई लंगड़ा हो जाएगा तो हम आप ही को बुलाएंगे। महाराज साहब जी, ये दिमाग का इलाज भी अच्छी तरह करते हैं। हाँ, हम दिमाग का भी इलाज करा लेंगे। क्या करेंगे? हाँ, हाँ। सेक्रेटरी, मेरी प्यारी घर आई। ना ना, तो ये फटफट बजता है ना भरभर, इससे ये घबराती है। राजू जी, ये क्या आ रही है, आवाज कैसी है? दीदी के जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही है। आइए वहां सब चल के देखें। चलिए आइए, चलिए आइए। युवराज की जय हो। इतना मिली है कि रियासत खत्म हो गई। भारत की सब रियासतें खत्म हो गई। उन्हें हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों के साथ मिला दिया गया, इसीलिए शहर में खुशियां मनाई जा रही है। हाँ, क्या तिरंगा लहरा रहा है, आजादी का झंडा। लाइए रजन सिंह जी, हम देखेंगे। नहीं नहीं, लाइए ना। आप क्या करेंगे देख के? लाइए ना, हम बोलते हम देखेंगे। अरे सच, शर्म की बात है। बटन लगाइए कोट के। आप भी नहीं, यह सब खत्म हो गए। संजय की वजह से है, उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। आप हमसे नाराज हैं इसलिए कि हमने आपको खबर नहीं दी? नहीं राजकुमारी, महल से हमको खबर मिलती रही, हर बात की खबर मिलती रही। क्या खबर मिलती रही? यही कि आप अच्छी हो गई हैं, चल फिर सकती हैं। पापा, पापा डॉक्टर संजय को मुंह मांगा इनाम दीजिए ताकि उन्हें पता चले कि आप कितने अच्छे हैं। उन्हें हमारे पास भेज दीजिए। पापा, गीता, गीता, गीता कहाँ हो तुम? गीता, क्या गीता, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे वो लिबास पहना जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा हसीन। आज मुझे गहनों से सजा दो, बार बार मोती पिरो दो। आज मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा दिन है जिसकी मुझे तमन्ना थी, बरसों से आरजू थी। आज मुझे इस तरह निखार दो जैसे चौथी का जोड़ा पहने दुल्हन बैठी। गुड मॉर्निंग योर हाइनेस, आपने मुझे याद फरमाया। जी हाँ, राजकुमारी अब अच्छी हो गई है। यस सर, हम अभी राजकुमारी से मिले थे, वो चाहते हैं कि हम आपको बहुत बड़ा इनाम दें। आप भी यही चाहते हैं? योर हाइनेस सर, ये रहा आपका इनाम। Your Highness, मैंने ये सब पैसे के लालच में नहीं किया था। फिर किस लालच में किया था? हमने आपको इलाज के लिए बुलवाया था, लेकिन अफसोस आपने डॉक्टर के पेशे की बदनामी की। डॉक्टर क्या इंसान नहीं होता? क्या उसे मोहब्बत करने का हक नहीं होता? लेकिन आप अपने हैसियत भूल गए। आपने हमारे अच्छे सलूक का नाजायज फायदा उठाया, आपने हमारे शान में गुस्ताखी की है। यह गलत कदम उठाने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था कि हम शाही खानदान से हैं। आप एक मामूली इंसान। जी, मामूली इंसान, और इसका मुझे फख्र है। मोहब्बत समाज के ऊंच नीच नहीं देखती, यही वजह है कि राजकुमारी किसी दवा से नहीं, मेरी मोहब्बत से अच्छी हुई है। अगर यह मोहब्बत दवा के तौर पर दी गई है तो यह रही इसकी कीमत। योर हाइनेस, दुनिया की हर चीज रुपए से नहीं खरीदी जा सकती।
रुपया क्या खरीद सकता है ये बहस हम आपके साथ नहीं करना चाहते। आप फौरन महल से चले जाइए, वरना आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। अच्छा सलूक किसके साथ किया आपने योर हाइनेस? अपनी औलाद को नहीं छोड़ा। न सिर्फ बड़ी राजकुमारी बीमार थी बल्कि यहाँ के सब लोग बीमार थे, और उनकी बीमारी की वजह थी आप। सिर्फ हमारे महल में हम क्या करते हैं ये एक जाती मामला, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। सुनना पड़ेगा आपको। आप वो आदमी हैं जो इंसान से उनकी आंखों का नूर छीन लेना चाहते हैं, उसकी अक्ल, उसका दिमाग, उसका एहसास छीन लेना चाहते हैं, हर वो चीज छीन लेना चाहते हैं जो इंसान को इंसान बनाता है। तकलीफ ना कीजिए योर हाइनेस, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन याद रखिए, वो मोहब्बत जो मुझे राजकुमारी से है उसे आप नहीं मिटा सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। जल्दी करना संजय, क्या है नानी? राजकुमारी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप जानती हैं आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम हमेशा परेशान रहे हैं, हमेशा यही चाहते रहे हैं कि आप जल्द अच्छी हो जाएं। पापा, मैं आप ही के आशीर्वाद से अच्छी हो गई हूँ। और आप ये भी जानती हैं कि हम आपको सबसे ज्यादा चाहते हैं। मुझे मालूम है। और हम जो कुछ करेंगे आपकी भलाई के लिए करेंगे। डॉक्टर संजय ने अभी अभी कहा कि वो आपसे मोहब्बत करता है, क्या आप भी उससे? उसने कहा कि वो आपसे शादी करना चाहता है, क्या आप भी उससे शादी करना चाहती हैं? हाँ पापा, अगर आपका आशीर्वाद मिले। राजकुमारी, डॉक्टर संजय को हमने महल से निकाल दिया है। क्यों? हमने उसे आपके इलाज के लिए बुलाया था, आपसे शादी करने के लिए नहीं। उसने हमारी शान में गुस्ताखी की, हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देने की कोशिश की। लेकिन पापा, उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान का बदला इज्जत से नहीं चुकाया जाता राजकुमारी। लेकिन शराफत से तो चुकाया जा सकता है। आखिर आप क्या चाहती? क्या आप चाहती हैं कि आपकी शादी एक मामूली आदमी के साथ कर दी जाए? क्या आप चाहती हैं कि हमारे खानदान की शान और शौकत मिट्टी में मिल जाए? आप चाहते हैं कि रियासत के साथ हमारी इज्जत भी चली जाए? अगर आप यही चाहती हैं तो आपकी मर्जी है, आपके साथ हम कभी सख्ती नहीं करेंगे। नहीं नहीं पापा, नहीं, मैं आपको दुखी करके अपने सुख नहीं चाहती। आपके आशीर्वाद के बगैर मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। आपकी शान और इज्जत मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। आपसे यही उम्मीद थी, हमें यकीन था हमारी तरह हमारे बेटे भी फर्ज को ज्यादा अहमियत देगी। उदास हूँ मैं, कमी जहाँ से छुड़ा लो।
बहुत उदास हूँ मैं, मुझे गले से लगा लो। बहुत सही गम दुनिया, मगर उदास न हो। बहुत सही गम दुनिया, मगर उदास न हो। करीब है शब गम के सहर, उदास न हो। बहुत सही गम दुनिया। सितम के हाथ की तलवार टूट जाएगी, ये ऊंच नीच की दीवार टूट जाएगी। तुझे कसम है मेरी हम सफर उदास न हो। तुझे कसम है मेरी हम सफर उदास न हो। बहुत सही गम दुनिया। न जाने कब ये तरीका ये तार बदलेगा, सितम का गम का मुसीबत का दौर बदलेगा। मुझे जहां बहुत उदास हूँ मैं। बहुत सही गम दुनिया, मगर उदास न हो। करीब है शब गम के सहर, उदास न हो। बहुत सही गम दुनिया। बड़ी राजकुमारी ने नाश्ता किया? बड़ी राजकुमारी साहिबा ने नाश्ता वापस कर दिया हुजूर। अगर वो समझते हैं कि हम पर इस तरह दबाव डाल के अपनी बात मनवा लेंगे तो ये उनकी भूल है। Excuse me, your highness. Yes? दीदी ने कल से कुछ भी नहीं खाया। इस तरह ना खाने से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि एक डॉक्टर के साथ मैं राजकुमारी की शादी कर दूं? I don't care if she dies. Yes? मुझे भूख नहीं है your highness. मैं आपकी इस बदतमीजी को खूब समझता हूँ, बैठ जाइए। लेकिन क्यों? हमने जिंदगी में हुक्म देना सीखा है, सवाल का जवाब नहीं। गलत। क्या गलत? भारत सरकार ने आपसे सवाल ही तो किया था कि रियासत भारत के दूसरे हिस्सों के साथ क्यों ना मिला दी जाए। लेकिन हमने इसका जवाब नहीं दिया और रियासत खत्म हो गई, फिर भी आपने ये नहीं पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप मेज छोड़ के जा सकते हैं। देवी, योर हाइनेस, देवी ना समझे, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इस मामले में दखल देने वाले आप कौन हैं? आई एम सॉरी योर हाइनेस। बैठ जाइए। योर हाइनेस, हम तंग आ गए। आप जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए महल के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा बंद रहेंगे। अगर हमें दीदी का ख्याल ना होता। आई एम सॉरी योर हाइनेस। आई एम सॉरी योर हाइनेस। बैठ जाइए।
तशरीफ रखिए। कहिए कैसे तकलीफ की आप लोगों ने? फरियाद लेकर आए हैं सरकार। अब फरियाद से हमारा क्या वास्ता है? आप अपनी फरियाद लेकर नहीं सरकार के पास जाइए। जनता का राज हो गया है, वही आपकी फरियाद सुनेगी। हमारी सरकार तो आप ही हैं हुजूर, ये इंसाफ आप ही करेंगे, ये हमारी इज्जत का सवाल है। आप चाहते क्या है? सरकार के रियासत में इलेक्शन की तैयारी हो रही है, जिसमें छोटे और नीच लोग खड़े हो रहे हैं, क्या ये हमारे लिए बेइज्जती की बात नहीं है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? जनता का राज है, कोई भी आप लोगों का नेता बन सकता है, चाहे वो, खैर जाने दीजिए। क्या एक सही इसका लड़का हमारा नेता बनेगा? ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बरसों से हुजूर का नमक खाते आए हैं, ऐसे नीच लोगों के हाथ में रियासत की बागडोर नहीं दी जा सकती। अब तो बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिन्हें आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठाकुर मान सिंह, आप चुनाव के लिए क्यों नहीं खड़े हो जाते? आप शर्मिंदा कर रहे हैं सरकार, आपके होते हुए हमारे लिए ऐसा सोचना भी पाप है। आप हमारे सब कुछ हैं, लिहाजा हमारे नेता आप ही बनेंगे। शर्म की बात है, आप चाहते हैं कि एक सही के लड़के के मुकाबले हम खड़े हो। दरअसल हम नई सरकार को बता देना चाहते हैं कि आपकी राय कितनी वफादार है। कम इन, कम इन। ओ रणधीर, आओ बैठो बैठो। हाँ, तो वो जो जगह तुमने डिस्पेंसरी के लिए बताई थी वो मैंने देखी और मुझे पसंद आई। मैंने 4 महीने का किराया भी दे दिया है। अरे क्या बात है? जानते हो डॉक्टर, मेरे मुकाबले में इलेक्शन के लिए कौन खड़ा हो रहा है? कौन? हिज हाइनेस। ओ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब तो खूब डट का मुकाबला होगा, एक तरफ राजा और दूसरी तरफ प्रजा। मैं सोच रहा हूं डॉक्टर कि अपना नाम वापस ले लूं। इसलिए कि तुम्हारा मुकाबला एक महाराजा से हो रहा है? बस डर गए? तुम्हें ये सोचते हुए भी शर्म आनी चाहिए रणधीर। मुझे किसी का डर नहीं है डॉक्टर, लेकिन आप यहां के लोगों को नहीं जानते। उनकी निगाहों में राजा महाराजा भगवान के बराबर थे और आज भी हैं। पिताजी को देख लीजिए, रियासत खत्म हो गई मगर उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो आज भी मेरी सूरत देखना पसंद नहीं करते। इस हालत में मैं सोच रहा था कि तो फिर एक काम करो। क्या? फौरन महल में जाओ, हिजाइनेस के पांव पड़ो, उनके सामने नाक रगड़ो, अपनी खताओं की माफी मांगो। पिताजी खुश हो जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब ये था कि हिजाइनेस का बहुत बड़ा अमला है, करिंदे हैं, खजाना है, और फिर शहर के तमाम दौलतमंद लोग उनके साथ हैं। उनके रुपए से प्रोपेगेंडा हो सकता है, वोटें खरीदी जा सकती हैं, उनका रुपया क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर रुपए से ही अपने देश की किस्मत का फैसला होने वाला है तो याद रखो, इस देश में जनता राज कभी कायम नहीं हो सकता। मैं मानता हूं रुपए से वोट खरीदे जा सकते हैं, लेकिन याद रखो, हर एक का ईमान इतना कमजोर नहीं जितना तुम समझते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी नहीं खरीदे जा सकते। और हां रणधीर, 2 वोट की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं, राजकुमारी आशा और मैं। दीदी, दीदी कहां हो तुम? दीदी इस तरह उदास क्यों बैठी हो? उम्मीद पर दुनिया कायम है दीदी। बेबी मुझे परेशान मत करो। मैं जानती हूँ दीदी, और इसलिए एक ऐसी चीज लाई हूँ जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरी परेशानी मेरे साथ ही खत्म होगी। मगर देख तो लो क्या लाई हूँ, संजय का खत। ये लो, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, दीवार फांद कर गई थी और वापस आई तो देखा है साइनस सामने खड़े हैं। उफ, मेरी तो जान निकल गई। ये महल नहीं कैद खाना है, कैद खाना। इधर पहरा उधर। ये क्या दीदी, पढ़ क्यों नहीं रही? पढ़ो ना। अब इसकी जरूरत नहीं। दीदी ये तुम क्या कर रही हो? क्या इसे फाड़ देने से संजय को भूल सकती हो? नहीं पढ़ना चाहती तो मत पढ़ो, लेकिन तुम्हें सुनना पड़ेगा। इधर लाइए। हम पढ़ते हैं। ये दीदी की चिट्ठी है योर हाइनेस, और दूसरों की चिट्ठी पढ़ना तहजीब के खिलाफ है, लेकिन छुप कर किसी गैर आदमी के मोहब्बत का पैगाम हमारे महल में लाना तहजीब में शामिल है। खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देना तहजीब में शामिल है। जी नहीं, अपनी बेटी को नई जिंदगी देने वाले को महल से जलील करके निकाल देना, ये तहजीब में शामिल है। शर्म की बात है, आज आपने मैं हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया। अफसोस न कीजिए योर हाइनेस, शायद हाथ उठाना भी आपके तहजीब में शामिल है। बदतमीज, आपकी जबान बहुत चलने लगी है।
लेकिन हम उसे लगाम देना भी जानते हैं। इधर देखिए, हम ये भी जानते हैं कि हमारे खिलाफ आप लोगों को बगावत की तालीम कौन दे रहा है। आइंदा आपने उस साइज के लड़के से मिलने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई ना होगा। हमारा हुक्म है, हमारी इजाजत के बगैर आप महल से बाहर नहीं जाएंगे। गुस्ताखी माफ योर हाइनेस, इस हुक्म की तामील नहीं होगी। बेबी चुप रहो, इस तरह जवाब नहीं देते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आखिर वो हमारे पिता हैं। जब से मैंने होश संभाला इनके पिता होने का कोई सबूत नहीं देखा। ये हमेशा खानदान, तहजीब, इज्जत और झूठी शान को अपनी जिंदगी समझते रहे। जो शख्स अपने बच्चों का सुख नहीं देख सकता, उनकी खुशियां बर्बाद करना चाहता है, उसे हम किस मुंह से पिता कहें? पिता का प्यार जताने का ना इनके पास कभी वक्त था, ना इन्होंने कभी कोशिश की। बेबी खामोश हो जाओ, खामोश रहने का वक्त गुजर गया। दीदी इनकी नजरों में इंसान की कोई कीमत नहीं, इंसान की जाती अच्छाई से उसकी नस्ल देखना ये ज्यादा जरूरी समझते हैं। इसी वजह इन्होंने संजय को निकाल दिया और तुम्हारी खुशियां बर्बाद कर दी। तुम्हें सुखी देखने के बजाय तुम्हें अपाहिज बनाकर इस कुर्सी पर बैठा दिया और मुझे एक महाराजा को सौंपने का इरादा किया, ये जानते हुए कि वो आदमी एक बेवकूफ और निकम्मा है। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मैंने रणधीर से शादी करने का फैसला किया है, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। बेबी मत रोको दीदी, योर हाइनेस चलाइए गोली ताकि दुनिया को पता चले कि अपनी खुदगर्जी और झूठी शान के लिए एक बाप ने अपनी बेटी का खून किया। आप जैसे औलाद का मर जाना ही अच्छा है। योर हाइनेस, बेबी पर गोली चलाने से पहले हम पे गोली चलाई। राज, यस योर हाइनेस, इन दोनों को धक्के देकर महल से बाहर निकाल दीजिए। यह हम नहीं कर सकते योर हाइनेस। क्या कहा आपने, नहीं कर सकते? तो क्या आप भी अपना फर्ज भूल गए? इसके जिम्मेदार आप हैं योर हाइनेस। हमने आज तक आपको खुश रखने के लिए जो मुमकिन था वो किया, अपनी हर खुशी, हर ख्वाहिश, हर तमन्ना को कुचल डाला, आपकी जिद और हट के सामने अपनी गर्दन झुका दी, मगर आप खुश नहीं हुए। इनके लिए तो कोई जान भी दे दे तो ये खुश नहीं होंगे। माँ का प्यार तो हमें नसीब नहीं हुआ, सोचा था आप ये कमी हमें महसूस नहीं होने देंगे, लेकिन आपने हमें बाप का प्यार भी नहीं दिया। बाप होते हुए भी हम यतीम रहे। निकल जाए यहां से, सबके सब निकल जाए यहां से, हम आपकी सूरत तक देखना नहीं चाहते। हम भी यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं योर हाइनेस। चलो बेबी। पापा उन्हें रोकिए, पापा उन्हें रोकिए, ये सब चला गया तो यह महल सुना हो जाएगा। पापा तो क्या आप भी उनके साथ चले जाना चाहती हैं? नहीं नहीं पापा, मैं यही रहूंगी, इसे चाहती बात खुद कर मार जाऊंगी, खुद कर। आप यहाँ क्यों बैठे हैं, अंदर क्यों नहीं चले गए? आपकी इजाजत के बगैर। जनाब ये महल नहीं, संजय का मकान है। अच्छा सुनाइए आज की ताजा खबर। राजकुमार और राजकुमारी को महल से बाहर निकाल दिया गया। और आप लोग चले आए? जी हाँ। आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों? आपने अपनी दीदी को वहां अकेला छोड़ दिया? इस हाइनेस के आशीर्वाद के बगैर दीदी महल नहीं छोड़ना चाहती और वो उसे कभी नहीं मिल सकती। महल की ऊंची दीवारें, वहां की घुटन, वहां का सन्नाटा, कहीं फिर मौत का ख्याल। मौत कितनी भी संग दिल हो मगर जिंदगी से तो मेहरबान होगी। मौत कितनी भी संग दिल हो मगर जिंदगी से तो मेहरबान होगी। खुशी
जिंदगी जिंदगी की दुश्मन है, कुछ न कुछ तो सुकून पाएगा। मौत के बस में जिसकी जान होगी, मौत कितनी भी संग दिल हो मगर जिंदगी से तो मेहरबान होगी। मुझे आना पड़ा। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। इस हाइनेस ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं इस हाइनेस से नहीं डरता, तुमसे डरता हूँ। तुम नहीं जानती हो हेमा, कितनी मुश्किलों से मैंने वो दीवारें गिराई थी जो तुम्हारे रास्ते में खड़ी थी, वो जंजीरें वो बंधन तोड़े थे जिनमें तुमने अपने आप को जकड़ रखा था। और आज फिर तुम वापस उसी दुनिया में जा रही हो। मौत का ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग पर फिर से छाने लगा है। संजय, हेमा, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं, उस पर मेरा भी हक है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। जब मैं आने वाले कल के बारे में सोचता हूं, जब भी अपने मुस्तकबिल का तसव्वुर करता हूं, तुम हमेशा मेरे साथ होती हो। वो दिन बहुत दूर नहीं जब हम दोनों एक हो जाएंगे। तुम्हें उस दिन का इंतजार करना चाहिए। भूल जाओ इन बातों को संजय। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नसीब में खुशी नहीं होती। तुम उन लोगों में नहीं हो, तुम उस मंजिल से गुजर गई हो जहां नाउमीदी रास्ता रोक के खड़ी रहती है। हेमा, वादा करो कि अब तुम कभी निराश नहीं होगी, जिंदगी से कभी नाउमीद नहीं होगी। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ संजय, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। हिजाइनस मेरी जान ले सकती है। मैं हर खतरे का मुकाबला करने के लिए यहाँ आया हूँ और उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगी। कहो हेमा कि तुम मेरा इंतजार करोगी, कहो कि तुम जिंदगी से कभी नाउमीद नहीं होगी, कहो कि तुम कभी दुखी कभी परेशान नहीं होगी। वादा करो हेमा, वादा करो। अच्छा जी, मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, लेकिन लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। हेमा, गुस्ताखी माफ सरकार, आसार कुछ उल्टे ही नजर आ रहे हैं। हम पूछते हैं ऐसी बात हुई क्यों? अब मैं क्या अर्ज करूं सरकार, आजकल इन भिखारियों की खूब बनाई है, उस कमबख्त रणधीर का हर जगह चर्चा हो रहा है। रियासत के सारे बच्चे उसने अपने कब्जे में कर लिए हैं, बड़े जोर शोर से प्रोपेगेंडा कर रहा है सरकार। और आप लोग क्या कर रहे हैं? शहर के तमाम बदमाशों को खरीद क्यों नहीं लेते? दलजीत सिंह, यस योर हाइनेस, खर्च के लिए इन्हें जितने रुपए की जरूरत हो दे दिया जाए। यस योर हाइनेस। ठाकुर मान सिंह जी सरकार, ये हमारी इज्जत का सवाल है, ख्याल है। जी सरकार। तख्त न होगा, ताज न होगा, कल था लेकिन आज न होगा।
जिसमें सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा। तख्त न होगा, ताज न होगा, कल था लेकिन आज न होगा। जिसमें सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा। लाखों की मेहनत पर कब्जा मुट्ठी भर धनवानों का। लाखों की मेहनत पर कब्जा मुट्ठी भर धनवानों का। दीन धर्म के नाम पे खूनी बंटवारा इंसानों का। दीन धर्म के नाम पे खूनी बंटवारा इंसानों का। जिसका ये इतिहास रहा है अब वो अंधा राज न होगा। जिसका ये इतिहास रहा है अब वो अंधा राज न होगा। सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा। वो सच्चा स्वराज न होगा। वो सच्चा स्वराज न होगा। तख्त न होगा, ताज न होगा, कल था लेकिन आज न होगा। जिसने सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा। जनता का फरमान चलेगा, जनता की सरकार बनेगी। जनता का फरमान चलेगा, जनता की सरकार बनेगी। धरती की बेहक आबादी धरती की हकदार बनेगी। धरती की बेहक आबादी धरती की हकदार बनेगी। सामंती सरकार न होगी, पूंजीवाद समाज न होगा। सामंती सरकार न होगी, पूंजीवाद समाज न होगा। जिसमें सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा। वो सच्चा स्वराज न होगा। वो सच्चा स्वराज न होगा। तख्त न होगा, ताज न होगा, कल था लेकिन आज न होगा। जिसमें सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा। मेहनत पर मजदूर का हक है, खेतों पर दहकान का हक है। जीने पर पाबंदी क्यों हो, जीना हर इंसान का हक है। जीने पर पाबंदी क्यों हो, जीना हर इंसान का हक है। जय हो जनता राज के जिसमें हुल्ले और निराज न होगा। जय हो जनता राज के जिसमें हुल्ले और निराज न होगा। जिसमें सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा। वो सच्चा स्वराज न होगा। वो सच्चा स्वराज न होगा। तख्त न होगा, ताज न होगा, कल था लेकिन आज न होगा। जिसमें सब अधिकार न पाए वो सच्चा स्वराज न होगा। सच्चा स्वराज न होगा। तख्त न होगा, ताज न होगा, बाहर ये शोर कैसा है? सरकार सारी रियाया आपके दर्शन के लिए जमा है। जुलूस की सारी तैयारियां हो चुकी हैं सरकार। लेकिन अब तक तो नतीजा नहीं निकला है। नतीजा बस आने ही वाला है सरकार। यू रहने साहब तैयार हो जाए। ठीक है। हेलो, हाँ सरकार यही है। एक मिनट, यू रहने इलेक्शन कमीशन का फोन। यस, सही कहीं। कितने वोट से? 5,000 वोट। सरकार जीत गए। 5,000 वोट। हम 5,000 वोट से हार गए। थैंक यू। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका यह मतलब हुआ कि हमारी जनता हमारे साथ नहीं है। शर्म की बात है। आप लोगों के होते हुए कोचवान का लड़का हमारे मुकाबले में जीत गया। आप बेफिक्र रहे सरकार, कल सूरज निकलने से पहले आपके दुश्मन रणधीर और संजय इस दुनिया में नहीं होंगे। हाँ सरकार, ये वादे तो आप पहले भी कर चुके हैं। आप अपना वादा पूरा कर लीजिए ताकि हिज हाइनेस को मालूम हो जाए कि आप सब इनके कितने खैरख्वाह हैं। योर हाइनेस, आजकल के जमाने में बिला वजह किसी की जान लेना इतना आसान नहीं। डॉक्टर संजय, हमारे महल के दरवाजे सिर्फ हमारी वफादार रियाया के लिए खुले हैं, दुश्मनों के लिए नहीं। मैं आपको यही बताने आया हूं योर हाइनेस कि दोस्त और दुश्मन की आपको पहचान नहीं। जिन्हें आप दोस्त समझते हैं आप वो शख्स हैं जिसने हमारी औलाद को हमारे खिलाफ बगावत की तालीम दी।
आपने रणधीर को हमारे मुकाबले में खड़ा किया और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। योर हाइनेस, आपकी इज्जत आपके इन दोस्तों ने मिट्टी में मिलाई। आपके इन दोस्तों ने आपके नाम पर वोट खरीदने की कोशिश की, वोट न देने वालों को पीटा, उनके घर जलवा दिए, मुझे और रणधीर को मारने की साजिश की। योर हाइनेस, आपकी आड़ लेकर आपके इन दोस्तों ने दुनिया भर का जुल्म किया है, बदमाशी की। यह गलत है, हमने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया। ये आपके कारण दे हैं, इनके अच्छे और बुरे काम के जिम्मेदार आप हैं। जमाना बदल चुका है योर हाइनेस, आजकल आप प्यार और मोहब्बत से दुनिया को जीत सकते हैं, जुल्म से नहीं। यही वजह है कि आपकी औलाद आपको नहीं समझ सकी और ना ही आपने अपनी औलाद को समझने की कोशिश की। हमें आपका मशवरा नहीं चाहिए, आप सब जा सकते हैं। आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? क्या चाहते हैं आप? मैं हेमा से मिलना चाहता हूं। बदतमीज, हम जानते हैं कि आप राजकुमारी से चोरों की तरह छुप छुप कर मिलते रहे हैं। हम चाहते तो उस वक्त आप पर गोली चला सकते थे, लेकिन हमने राजकुमारी का ख्याल किया। अगर आपको राजकुमारी का ख्याल होता तो आप उनको इस तरह जकड़ कर नहीं रखते। योर हाइनेस, आप खूब जानते हैं कि राजकुमारी मेरी मोहब्बत से अच्छी हुई है और मेरी मोहब्बत से महरूम रहकर वो कभी खुश नहीं रह सकती। आपके लिए राजकुमारी की ये कुर्बानी बाय से मौत साबित होगी। ये मैं हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करूंगा। डॉक्टर संजय, याद रखिए, आप पर गोली चलाते हुए हमें जरा भी अफसोस ना होगा अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया। योर हाइनेस, मैं जानता हूं आप मुझे नहीं मार सकते। राजकुमारी, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि दुश्मन पर हम गोली चलाना जानते हैं। आप डॉक्टर संजय से कह दीजिए हमें मजबूर न करें और फौरन यहां से चले जाएं। यस योर हाइनेस, योर हाइनेस वो जरूर जाएंगे, लेकिन आज वो अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। राजकुमारी, आपने क्या कहा? मैं राजकुमारी नहीं हूँ, मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं। आज तक मैं आपको अच्छा आदमी समझती थी, मैं समझती थी कि आप सिर्फ जिद्दी अपने हक के सामने दूसरों की नहीं सुनते, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। राजकुमारी, आप जानती हैं कि हम आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं भी आपसे प्यार करती थी, इसलिए मैंने आपके हर हुक्म की तामील की, अपने भाई बहनों का साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि आपके एक इशारे पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। सर, आपने बहुत बड़ी गलती की, अगर ये बात थी तो आप पहले क्यों चली गई? इसलिए योर हाइनेस कि मैंने अपनी माँ को आपकी देखभाल करने का वचन दिया था। और आपने हमें भी वचन दिया था कि हमारे आशीर्वाद के बगैर आप यहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने जिस आदमी को वचन दिया था वो आप नहीं, आपकी दुनिया में सिर्फ आप हैं, उसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। चलो संजय। राजकुमारी, आप अपना वचन नहीं तोड़ सकते। हमारे खानदान में वचन निभाने के लिए आज तक किसी ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। हम चाहते हैं कि आप भी अपना वादा पूरा करें, इसलिए हम आपको आशीर्वाद देते हैं। आप जा सकते हैं। सब इंतजाम मुकम्मल हो गया सरकार। बैंक ऑफ इंडिया को हिदायत कर दी गई है कि हजूर का अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाए। ये है सरकार की चेकबुक और पासपोर्ट। और कोई हुक्म? राजमाता दामगढ़ को फौरन टेलीग्राम भेज दिया जाए जी, कि उनका रिश्ता हमें मंजूर नहीं। जी सरकार। स्टेट की तरफ से जो अलायंस राजकुमार और राजकुमारियों को मिलते रहे हैं, ये श्योर है ना? वो जारी रहे। ये श्योर है। उनसे पूछ लिया जाए, हमारी गैर मौजूदगी में अगर यहां रहना चाहते हैं। जी सरकार। रह सकते। जी सरकार। ऐसा कार तैयार है सरकार, आप तैयार हो जाए। अब आप क्या चाहते हैं? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं योर हाइनेस।
हमारे पास वक्त नहीं है। आप हमें छोड़कर न जाइए। अब हमारे लिए यहां क्या है? ये जमीन हमारी जमीन नहीं रही। हमारी रिया ने हमारा साथ नहीं दिया, यहां तक कि हमारी औलाद भी हमसे मोहब्बत नहीं करती। नहीं और आप हमसे मोहब्बत नहीं करते। अफसोस, आपने कभी हमें समझने की कोशिश नहीं की। हमने वही किया जो हमारे खानदान में सदियों से होता आया है, मगर आपने उसे हमारी जिद और खुदगर्जी समझा। बाप बच्चों का दुश्मन नहीं होता। हमने जो कुछ किया आप सबकी भलाई के लिए किया। हमारी परवरिश जिस महल में हुई है वहां बुजुर्गों का कार हुक्म समझा जाता था। हमने भी अपने पिता की हर बात को हुक्म समझा और तामील की। यह हमारे खानदान की रीत है। अगर आपसे भी हमने यही उम्मीद की तो कोई गलती नहीं की। वक्त के साथ साथ हर चीज बदल जाती है। आप आज और कल को क्यों मिला रहे हैं? लेकिन हम अपने रस्म और रिवाज और खानदानी वकार को कैसे भूल सकते हैं? लेकिन योर हाइनेस, आप रस्म और रिवाज और खानदानी वकार को हमारे प्यार से क्यों मिला रहे हैं? आपके शाही वकार की वजह से हमें आपको हमेशा इस हाइनेस से कहना पड़ा। क्या हमें आपको पापा कहने का भी हक नहीं? नहीं राजकुमारी, आपने ठीक कहा, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन हमारे लिए अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है। दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं योर हाइनेस। आपके लिए अपनी रियासत देना भी मुश्किल था, मगर आपने देश के लिए रियासत कुर्बान कर दी, क्योंकि आपको देश से प्यार था, मोहब्बत थी। क्या आप अपने बच्चों के प्यार के लिए अपने पुराने रस्म रिवाज और खानदानी विकार की कुर्बानी नहीं दे सकते? डॉक्टर संजय, हम कोशिश करेंगे। थैंक यू योर हाइनेस। थैंक यू योर हाइनेस। राजकुमारी, आज से आप हमें पापा कहेंगे। पापा। आप सब हमें पापा कहेंगे। पापा। रणवीर सिंह जी, कंग्रेचुलेशन। शुक्रिया। मैं जो कुछ भी आज हूं आप ही की बदौलत से योर हाइनेस। हम शादी का सेहरा पहने हाजिर हो गए हैं। सेक्रेटरी और राजकुमारी का सेहरा बताओ। योर हाइनेस, हमें अफसोस है, राजकुमारी ने अपना वर चुन लिया है। रणधीर सिंह जी। रणधीर सिंह जी? जी हाँ, हमने राजमाता को संदेशा भेज दिया, शायद उन्हें मिल भी गया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड योर हाइनेस, वेरी गुड। आपने एक हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा काम कर दिया है। इन दोनों में मोहब्बत है, कितनी खुशी की बात है। योर हाइनेस, मोहब्बत? ठहरिए, आप मुझे कहने दीजिए। देखो, इनमें मोहब्बत है। योर हाइनेस, मैं आपसे क्या बताऊं कि हमारी रियासत में भी एक मोहब्बत है हमारी। वो बड़ी गरीब है, लेकिन वो गरीब लड़की होने की वजह से हम खानदानी राजा है, उसने इससे शादी नहीं कर सकते। लेकिन राजकुमारी ने हमारा रास्ता साफ कर दिया है। भगवान आप सब लोगों को खुश रखे। पापी जाओ, तुम भी अपना साथी ढूंढ लो। सेक्रेटरी जाओ, इसको सड़क पे छोड़ दो।